दिया कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलना चाहूंगी। जयपुर की लाइफलाइन कहा जाने वाला और जयपुर सहित आसपास के क्षेत्र के पीने के पानी का एकमात्र स्रोत के रूप में पहचान रखने वाला रामगढ़ बांध आज पूरा सूख चुका है। बहुत ही दुख की बात है ये। और एक समय में यहाँ पर 64 फीट पानी था और एशियन गेम्स जो हमारे 1982 में एशियन गेम्स हुए थे तो इस बांध में रोविंग के इवेंट्स भी यहीं हुए थे। आज ये हालत है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यहाँ जो कैचमेंट एरिया है उसमें पूर्ण रूप से इंक्रोचमेंट्स हो चुके हैं। लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, फार्म हाउसेस बना लिए और हालत ये है कि यहाँ पर आज एक बूंद भी पानी नहीं। इस बांध के सूख जाने के कारण लाखों की आबादी वाला जयपुर शहर आज पानी के लिए तरस रहा है। इसे दोबारा जीवित करने के लिए कई एनजीओस, जनप्रतिनिधि और मीडिया लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए कई बार प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने को कहा और नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि वे जयपुर की इस लाइफलाइन और हेरिटेज, क्योंकि ये जो बांध है इसकी नींव 1897 में रखी गई थी और 100 साल से पुराना बांध है ये, तो ये कि हमारे राजस्थान का हेरिटेज भी है। इसके लिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगी कि इस पे उचित कार्रवाई करें ताकि इस बांध को बचाया जा सके, क्योंकि राज्य में जो सरकार है वो भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही और आगे भी मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण,